नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। टूलकिट केस में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की पुलिस कस्टडी की मियाद शुक्रवार को खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दिशा को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग दिशा रवि के समर्थन में उतर आई है। किसान आंदोलन के समर्थन में टूलकिट शेयर कर घिरी ग्रेटा थनबर्ग ने दिशा रवि का समर्थन करते हुए कहा कि बोलने की आजादी लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और जनसभा करना मानवाधिकार है। ये किसी भी लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। स्वीडन की रहने वाली एक्टिविस्ट ग्रेटा ने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए ये बात लिखी है, जिसमें उन्होंने स्टैंड विद दिशा रवि हैशटैग किया है। आपको बता दें, ग्रेटा थनबर्ग ने अगस्त 2018 में इस संगठन की स्थापना की थी, जब वो महज 15 साल की थी। दिशा के समर्थन में ग्रेटा थनबर्ग ने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया के उस ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया क्लाइमेट जस्टिस के लिए वैश्विक आंदोलन का एक हिस्सा है। हम छात्रों के एक समूह से मिलकर बने हैं, जो केवल एक आशा की किरण के साथ एक ऐसा भविष्य बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं, जो जीवन जीने लायक हो। आपको बता दें, दिशा रवि एक पर्यावरण कार्यकर्ता है और उसे ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से शेयर की गई किसान आंदोलन से संबंधित टूल किट में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया गया है। दिशा पर टूल किट को एडिट करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। दिशा ने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर इंडिया के इंडिया चैप्टर की स्थापना की थी, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए शुक्रवार की कक्षाएं छोड़ प्रदर्शनों में भाग लेने वाले स्कूली छात्रों का एक वैश्विक आंदोलन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।